बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि सल्तनत ओमान के अंदर वीज़ा फीसिस को कम किया गया है, तो इसके बाद कुछ आप लोग के इस तरह के कमेंट्स आए हैं कि जिम्बे कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो कि रीन्यू नहीं होंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक साल पहले ये न्यूज़ आई थी कि कुछ वीज़े ऐसे हैं, कुछ इस तरह के प्रोफेशंस हैं जो अब ओमान ही करेंगे, वो अब खारिज नहीं कर सकेंगे। तो भाई, वीज़ा फीसिस जब हाई हुई थी उसके साथ ये भी वीडियो आई थी, ये भी कुछ लिस्टें आई थी कि सल्तनत के अंदर ये वाले प्रोफेशंस जो है रीन्यू नहीं होंगे। तो इस हवाले से मैंने वो ढूंढी है वीडियो, तो आप लोग देख ही लें मेरी स्क्रीन के ऊपर। अब जो आप लोगों को मेरी स्क्रीन के ऊपर लिस्ट नज़र आ रही है, ये जितने भी प्रोफेशंस है ये अब सल्तनत ओमान के अंदर अलाउ नहीं है। ये अब तमाम जॉब्स जो है ओमानियों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। अगर जिन भाइयों के ये वीज़े हैं जो अब आप लोगों के सामने मेरे सामने जो लिस्ट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं अब उनका रीन्यू नहीं होगा वीज़ा। इनको या तो अपना मायने चेंज करवाना पड़ेगा या अपने वतन वापस जाना पड़ेगा। तो ये तमाम प्रोफेशंस अगर किसी के हैं तो वो अपने अब प्रोफेशंस को मिला लें, अब इनके वीज़े जो हैं तकदीद नहीं होंगे सल्तनत ओमान के अंदर। तो मुशाहिदीन अल-किराम, आप लोगों ने देखा ये तमाम लिस्टें, ये तमाम वो फहरिस्त है जो कि सल्तनत ओमान के अंदर वीज़ा वगैरह रीन्यू नहीं हो गए। ये एक रिपीट वीडियो है, मैंने ढूंढ कर निकाली क्योंकि आप लोगों के सवाल थे और इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो इस वक्त की अपडेट्स थी, राव फजल अज़ीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।